गर्मी अभी पूरी तरह से आए भी नहीं और महाराष्ट्र का बीड जिला अभी से पानी की भीषण कमी से जूझ रहा है। इस इलाके में कुएं और तालाब सूख चुके हैं। पानी लाने के लिए लोगों को 5 से 10 किलोमीटर तक का सफर तय करना पड़ता है। महाराष्ट्र का मराठवाड़ा क्षेत्र गर्मी शुरू होने से पहले से ही पानी की भीषण कमी से जूझ रहा है। हालात ये हैं कि क्षेत्र के गांव में लोगों को पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा। इन्हीं में से एक है महाराष्ट्र के बीड जिले का बाबी गांव, जहां के कुएं, बोर और तालाब लगभग सूख चुके हैं और केवल पीने का पानी लाने के लिए ही लोगों को 5 से 10 किलोमीटर दूर तक का सफर तय करना पड़ता है। सूखे से हालात इतने खराब हैं कि जानवरों तक के लिए पानी नहीं मिल रहा। ये साल में पानी ऐसा नहीं, जानवर को नहीं, आदमी को तो नहीं, पर जानवर को पानी कहाँ पिलाना, ये परेशानी है। अब यहाँ पानी नहीं, अभी 300-400 फुट पे भी बोले तो बोर भी अभी अट गए, कुछ नहीं, थोड़ी बार पानी निकलता, उसमें बावड़ी अट रही है। यहाँ महिलाएं रोज सुबह सुबह उठकर पानी लाने का काम करती हैं। इनका कहना है कि दिन के 4 से 5 घंटे केवल पानी लाने में बर्बाद हो जाते हैं। हमें उठना पड़ता है 5 बजे और पानी लाना पड़ता है, उसके बाद घर के काम, और पानी में हमारा सब दिन जा सकता है पानी भरकर। किसानों के लिए सूखे की समस्या और भी गंभीर है। मराठवाड़ा क्षेत्र के किसान मुख्य रूप से गन्ने और कपास की खेती करते हैं। पहले ही साल 2018 में बारिश कम हुई थी और अब इस साल अभी से सूखा पड़ रहा है। ऐसे में पहले से ही कर्ज में डूबे किसानों को समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो करे क्या और जाए तो जाए कहाँ। ये देख के हमको तो रोने का टाइम आ गया है। क्यों रोने का, को गए साल में हमारा जो खेत में 80-90 टन निकलता था, वही 15 टन निकला है। क्यों निकला ये कि वो तालाब भरता हमारा ऊपर का, उपली का, वो तालाब में भरे हुए वो लगाओ गन्ना सभी हमने गन्ना लगा दिया। अब गन्ना लगा दिया तो ये साल में बारिश नहीं हुआ, तालाब में पानी नहीं तो सब गन्ना सूख गया। इन इलाकों में सरकार पानी के टैंकर तो भेजती है, लेकिन वो भी रोज नहीं आते। पानी के टैंकर आने पर छोटे बच्चों से लेकर बड़े और बूढ़े तक हाथ में बाल्टी और मटका लिए पानी लेने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ रह रहे लोगों का कहना है कि आज हालात 1972 के अकाल से भी बुरे हो चले हैं। आकांक्षा ठाकुर, गो न्यूज़।